प्यारे बच्चों, आप लोग को ईडी ग्लोबल 90 में स्वागत है। आज पुनः आप लोग के सामने इधर दो तीन दिन कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो इसलिए आज मेरा जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पे है, बहुत ही अंग्रेजकालीन संबंधित जो भी नियम और कानून आया हुआ था उसके बाद। ये भाग टू है, इससे पहले मैंने भाग वन का डिस्कशन कर चुका हूँ दोस्तों, जिसमें अंग्रेजकालीन महत्वपूर्ण कानून एवं आधुनिक भारत का इतिहास भाग टू। इससे पहले मैंने 1935 तक भारत सरकार अधिनियम तक मैंने डिस्कशन कर चुका था। अब आइए 1940, यानी 1940 में कौन सा एक्ट अंग्रेजकालीन महत्वपूर्ण था और उस समय हमारे भारत का कौन सा वायसराय थे और उस कानून में, उस एक्ट में हमारे भारत में क्या परिवर्तन या क्या चीज लागू करने की कोशिश किया गया था, उसकी मैं जिक्र करने चाहता हूँ। इससे पहले मैंने, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और भाग वन नहीं देखे हैं अंग्रेजकालीन जो महत्वपूर्ण एक्ट था, तो उससे सबसे पहले उसको देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, इस भाग टू को देखिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। 1940 अगस्त घोषणा, तो पूछा जाता है अगस्त घोषणा कब आया था, तो 1940 में। उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिन लिथगो। 1940 में जो अगस्त घोषणा आया हुआ था, उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लन लिथगो, उस समय प्रादेशिक स्वशासन की बात किया गया था। प्रादेशिक स्वशासन का मतलब क्या है, जो भी भारत में प्रदेश है उसका आप स्वशासन करेगा, खुद यहाँ के जो नागरिक है भारतीय है अपना नियम और कानून बना के उस क्षेत्र में खुद बनेगा, मगर रक्षा की बात, वित्त की बात, वो टोटल का टोटल अभी भी अंग्रेज के पास ही। चलिए 1942 की बात करते हैं, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी, आंदोलन हो रहे थे उसी समय 1942 में कृष्ण मिशन प्रस्ताव आया हुआ था दोस्तों। क्यों, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो उसको खत्म करने के लिए, और हम जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों को कुछ ना कुछ स्टेप लेना था भारतीयों के लिए, यदि नहीं लेता तो ये आंदोलन और उग्र रूप होता। उसी को देखते हुए 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था। पूछा जाता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था, तो 1942 में। उस समय भी हमारे देश के जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो थे। पूछा जाता है जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो। उसमें संविधान सभा की योजना की प्रस्ताव रखा गया भारतीयों के समक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने, लेकिन उसमें संप्रदाय के आधार पर देखा गया तो वहां पे संविधान सभा को मानने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकार कर दिया और पुनः ये पास नहीं हो पाया। पुनः 1945 में बेबल योजना आते हैं, उस समय हमारे भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड बेबल। तो 1945 में बेबल योजना, लॉर्ड बेबल, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना था। तो क्या कहते हैं, जब 1945 में बेबल योजना आया, उस समय भारत में जो वायसराय थे वो बेबल थे, और इस समय उस योजना में भारत सरकार अंग्रेजों के द्वारा सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। यानी उस समय 1945 में जितने भी भारत में दल थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान, बहुत तरह की इस तरह की थे दल जिसको मान्यता मिला हुआ था, वो सभी मिला के एक काउंसिल का निर्माण किया गया, एक बैठक बनाया गया, एक सभा बनाया गया, और उसमें जो भी निर्णय लिया गया सभी मिलकर लेते थे। अब आइए 1946 कैबिनेट मिशन आयोग। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना या आयोग कब आया हुआ था, तो 1946 में। उसमें 3 सदस्य थे, जिसका जो हेड थे, प्रमुख थे, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। कब आया था, तो 1946 में। इसका क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था भारत में, भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में संविधान सभा का फिर प्रस्ताव आया, संघ निर्माण की बात हुई और प्रांतों की स्वायत्तता दिया गया। मतलब क्या, संघ का निर्माण उस समय, जब 1946 ईस्वी में हम जानते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक ही था, और उसमें बहुत से राजा शासक क्षेत्र अंग्रेजों के, कुछ क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में था, कुछ शासक के था, तो वो सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से वहाँ शासन व्यवस्था कर रहा था। तो उस समय 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में इस चीज का निर्णय दिया गया, सो आप लोग पाकिस्तान क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी हमारे भारत में जितने भी
शासक लोग थे यानी क्षेत्र का जो कंट्रोल कर रहे थे उन लोगों को एक स्वतंत्रता दिया गया। तो आप जिस आप यदि खुद अकेला रहना चाहते हैं तो अकेला रह जाइए, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान क्षेत्र में जा सकते हैं, और भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रह सकते। संघ निर्माण को जो हमारे भारत में है ना, वल्लभ भाई पटेल को बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। हमारे भारत के संघ इतना जो विशाल हम लोग देख रहे हैं, इसमें वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत योगदान है। संघ निर्माण, संविधान सभा का प्रस्ताव और प्रांतों की स्वायत्तता की बात किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग इनकार कर देता है क्योंकि उसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया रहता है दोस्तों। इसलिए 1947 में पूरा माउंटबेटन योजना आता है, और उस समय हमारे भारत के जो वायसराय रहते हैं माउंटबेटन रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं, और उसमें भारत विभाजन की बात किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो वही थे लॉर्ड माउंटबेटन। और वही पूछा जाता है स्वतंत्र, जब 15 अगस्त 1947 को सब स्वतंत्र हो गया था, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश का जो वायसराय प्रमुख पद होते थे उसको हटा दिया गया, और फिर पुनः गवर्नर जनरल का पोस्ट को मान्यता दिया गया, और पुनः 1947 से लेकर 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक हमारे भारत का जो सर्वमुख प्रमुख सर्वोच्च पद हुआ करता था वो जनरल गवर्नर का होता था। उस समय पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर भारत के ही तो पूछा जाता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो बने थे सी राजा गोपालाचार्य। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसमें नहीं डिस्कशन किए हैं, मगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, और मैं कुछ बहुत सारी इस पर जो लिखा हुआ है तो लिखा ही हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिएगा, समझिए पहले, और जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो उसको जब बोलते हैं तो उसको उतार लिया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें भारत विभाजन की बात किया गया था 1947 में माउंटबेटन योजना में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए, अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ हम लोग कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अभी हाल ही में अभी 66वां बीपीएससी हुआ था, उसमें पूछा था स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा गया था, वही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कभी पूछ सकता है स्वराज पार्टी की जो गठबंधन जो पार्टी का स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1927। तो उसी से संबंधित यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन है। हमारे देश में जब देश में अंग्रेजकालीन था, अंग्रेज लोग जब शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस समय हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ थी, अच्छाइयाँ भी थी, अंग्रेजों से छुटकारा भी पाना था। तो उसके उस उद्देश्य से प्रमुख जो व्यक्ति थे उस समय के, जो अपने महान व्यक्ति थे, उसने अपने संस्था के निर्माण कर दिया, और संस्था के निर्माण के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की भी बात किया गया, भारत में उस समय जो कुरीतियाँ थी बुराइयाँ थी उसको भी निराकरण की बात करने की कोशिश किया गया। तो उसी से संबंधित कुछ बहुत बड़ा एसोसिएशन सब की बात है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो प्रमुख ऐतिहासिक संस्थाएं की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख संस्था, उस संस्था को संस्थापक करने वाले, स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, और किस वर्ष ये जब जितने भी प्रमुख संस्था है इंस्टीट्यूशन है किस वर्ष स्थापना किया गया था, उस ये सब हम लोग को जानकारी है। देखिए 5 मिनट पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो बहुत ही बड़ा नाम है राजा मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। इन्हीं के द्वारा अंग्रेजों के माध्यम से हमारे देश में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो पूछा जाता है भारत में सती प्रथा का अंत कराने में कौन सा एक भारतीय थे जो काफी इनका योगदान था, तो वो थे राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन और 1828 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इसके बाद प्रार्थना समाज की बात करते हैं। तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और 1867 ईस्वी में। आर्य समाज वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में, वेरी ये जो ईस्वी है ना, और ये जो संस्थापक है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार इंडियन एसोसिएशन की बात किया जाए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए हुए थे। तो पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब किए थे, 1876 में।
ये हम तो कितने बार आप लोग को वीडियो के माध्यम से, यदि पूरा मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं इस चीज का बार बार डिस्कशन किया हूं। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ये हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम 1885। फिर आते हैं रामकृष्ण मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन जो है उन किनके द्वारा, तो यह स्वामी विवेकानंद। इस बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 1893 ईस्वी में कौन अमेरिका में भारतीय की तरफ से धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वही स्वामी विवेकानंद। हम इस पर बात करेंगे, मेरा एक लेक्चर पूरा का पूरा होगा स्वामी विवेकानंद पर, इनकी जीवनी के बारे में, ये क्या भारतीय योगदान है, भारतीय सभ्यता में क्या इनका योगदान है, अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त किए हुए थे, उनके बारे में भी हमको काफी डिस्कशन करना है दोस्तों। तो रामकृष्ण मिशन को जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद 1896 ईस्वी में किए हुए थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन की बात किया जाए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी थे। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण उन्हीं के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1905 में। चलिए गदर पार्टी की बात किया जाए, तो सोहन सिंह प्लस लाला हरदयाल सिंह 1913 ईस्वी में। इसके बाद होम रूल लीग, वेरी इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर के द्वारा, तिलक के द्वारा स्थापना किया गया था। बट यदि क्वेश्चन में इस तरह से रहा जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे भारत में, तो बाल गंगाधर तिलक कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। इनके संयुक्त एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयास से होता है। चलिए आगे की बात करते हैं स्वराज पार्टी, ये भी एकदम क्वेश्चन पूछा था इस बार दोस्तों, यानी 66 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो हमारा होगा मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास 1927 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो दिल्ली चलो की नारा दिए थे, करो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इसकी जो स्थापना किया गया था 1939 ईस्वी में। तो हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक पार्टी थी, भारत की स्वतंत्रता की बात करने की किया गया था और काफी इसमें सफल भी होते हैं, मगर अंत लास्ट में ये जो पार्टी होते हैं और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो कुचल दिया जाता है 1939-40 तक आते आते नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के माध्यम से वहाँ पर इनको पकड़ लिया जाता है, इस पार्टी के सदस्य को ये तो नहीं पकड़ाते हैं, इनके अभी तक पता नहीं है किस तरह इनकी मृत्यु हुई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक संस्था जब उसकी जो स्थापना करने का श्रेय जो जाता है सुभाष चंद्र बोस को जाते हैं, 1939 में किए थे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखें समझ में आ गया होगा, आप शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक में डालिए। मैं आप लोगों को एक बात और जरूरी करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ऑनलाइन के माध्यम से लाइव क्लास का भी प्रोग्रेस स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग बहुत ही जल्दी मैं इसकी सूचना दे दूँगा आप लोग को इसके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो आप लोग के समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास से लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।